आपकी बहुत आदरणीय लोकप्रिय मंत्री रही सम्मान्य श्रीमती मंजू मेघवाल जी से क्या पधारे हम सबको उद्बोधित बोले तेजा जी महाराज की परम सम्मान्य मंच पर आसीन बजरंगपुरी जी महाराज को मैं नमन करती हूँ और सभी तेजा गायन में यहाँ विराजमान है आप सभी का भी मैं नमन करती हूँ। यहाँ और बाहर के पधारे हुए सभी सम्मानीय महानुभाव माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन आपके लिए हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज तेजा जी महाराज का जागरण है, संत महात्माओं का आगमन है, इसलिए ये धरती बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवान्वित। साथ में मैं गांव वालों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ऐसा ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करवाया जो मेरे ख्याल से जायल तहसील में कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आपने मंदिर का निर्माण करा, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तेजा जी महाराज के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उनके जीवन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और जो मंच का संचालन कर रहे हैं आपने तेजा 40 गाए वास्ते में आपको कंतुष्ट है, मैं भी आपके बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत ही आपने अच्छा 40 गाया है तेजा जी महाराज का। तेजा जी महाराज गायों के लिए बलिदान कर दिए अपने आप को और आज के वर्तमान युग में देखा जाए तो वास्तव में गायों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, इसलिए आपको और हम सबको मिलकर गायों की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने गुरुजनों का सभी का आदर करना चाहिए, यही आज का उद्देश्य है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, बस इतना सा जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग यहाँ बैठे हैं और हमें भी इस चीज की जो राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन जहाँ पब्लिक जहाँ होती है तो हमें दो बात कहनी पड़ती है। अभी मंच का जो संचालन कर रहे थे आपने कहा कि कल आप वहाँ पर 12 तारीख को हमारे वहाँ संकल्प रैली, तो आप इतने जनपुर सभी लोग यहाँ पर विराजमान है, तहसील से बाढ़ से सभी पधारे हुए, इस मंच के माध्यम से इतना सा निवेदन करना चाहूंगी, मेरा कायदा नहीं लेकिन आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा आप वहां भी पधारना, ये आपको मेरा निमंत्रण भी है, आपने बुलाकर हमारा मान सम्मान किया उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान से कामना करती हूँ, ईश्वर से कामना करती हूँ कि आपकी दीर्घायु, आपका परिवार फले फूले और इसी प्रकार से आप जो दान पुण्य कर ये जो गांव में आप इस प्रकार के मंदिर का निर्माण गायों के लिए आप जो दान कर रहे हैं, भगवान आपकी लंबी उम्र करें, आपका परिवार फूले फूले, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। पुनः आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राम राम।